इसमें तुमको क्या कर रहा है कि ये बस टेक्स ये टावर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ ये बस टेक चलो क्या कह रहा है कि बस टेक्स 8 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम देखे बाबू। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाता है। ठीक है चलो, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 320 किलोमीटर ना, टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर ना, तो 8 आवर तो इसका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बच्चा वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन, द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 80 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 8 आवर्स सॉरी 10 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू एवरेज स्पीड। ठीक है, क्या कह रहा है कि ट्रेन का मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर है और ये 10 घंटा में कितना दूरी कवर करता है 400 किलोमीटर का। ठीक है, तो 10 घंटा में पूछ रहा है कितना दूरी कवर कर रहा है 400 किलोमीटर का, ना तो यहाँ से हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाता है फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस बटा क्या हो जाता है टोटल टाइम ना, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है 400 किलोमीटर का ना, 400 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना लग रहा है 10 आवर ना, तो 10 आवर यानी क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर। क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तुमको क्या है एवरेज स्पीड, मैक्सिमम स्पीड कितना है, मैक्सिमम स्पीड कितना 80 ना, और एवरेज कितना आ गया 40 ना, इसी का ना रेशियो तुमसे पूछ रहा था बाबू। यहाँ पर देख लो, तो 80/40 यानी क्या हो जाएगा 2/1 यानी क्या हो जाएगा 2:1 हो। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 6 तुमको क्या कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू 10 मीटर इन 2 मिनट एंड नेक्स्ट 10 मीटर इन 3 मिनट, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। लेकिन एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सब खाली एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड है क्या हो जाता है टोटल डिस्टेंस। ठीक है, क्या हो जाता है टोटल डिस्टेंस बटा क्या होता है टोटल टाइम ना, बटा टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 10 मीटर प्लस 10 मीटर, टाइम कितना कवर कर रहे हैं 2 मिनट प्लस 3 मिनट। ठीक है, 2 मिनट प्लस क्या हो गया 3 मिनट, यानी 10 10 क्या हो जाएगा 10 10 तुमको क्या 20 मीटर, 3 2 5 मिनट ना 5 मिनट। अब यहाँ पर आ जाओ, ये मिनट में है ये मीटर में ना है, तो यदि मीटर पर मिनट में लिखना चाहो तो क्या हो सकेगा 5 से 4 में सब कर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4 मीटर पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, और यदि मीटर प्रति सेकंड में चाहोगे तो पहले 5 मिनट को क्या करना चेंज करो सेकंड में ना, ये तो 20 का 20 है ना, 20/5 गुना मिनट को सेकंड चेंज करो, यानी क्या हो जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कार मूव्स थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेटेड एवरेज स्पीड। मन लग रहा है ना सबके जी, क्या करोगे पढ़ाई है तो ये कोई जोकड़ वाला तो सीरियल तो चल रहा है जो तुमको खून भर लाएगा। ठीक है, तो ध्यान से मन लगाओगे तो जरूर समझ में आएगा, मन मिलेगा। ठीक है चलो, यहाँ पर क्या करें, एक कार जो है जो मूव थ्रू 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो कैलकुलेट एवरेज स्पीड। लेकिन पूछ रहा तुमसे एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ना, टोटल डिस्टेंस बाय क्या हो जाता है टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर, फिर से 20 किलोमीटर। आप यहाँ पर देखो 20 किलोमीटर कितना का स्पीड से चल रहा है 40 से ना, और नेक्स्ट 20 किलोमीटर चल रहा है 60 के स्पीड से, तो तुमको बाबू समय तो दिया ना है, चाल ना दे दिया है, तब समय निकाल लेते दो को 5 मिनट बढ़ रहा है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट निकाल कर, तो फर्स्ट पार्ट में कितना दूरी तय करा 20 किलोमीटर में, कितना के चांस है 40 किलोमीटर पर आवर के चांस, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/2 आवर आ गया यहाँ से समय। जानते हो ना टाइम लावर क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस बटा
स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस हो गया बटा स्पीड, 1/2 बराबर हो गया। तो सेकंड पार्ट का हम चलते हैं, तो सेकंड पार्ट में क्या होगा, डिस्टेंस तो है 20 किलोमीटर का ना, इस पर स्पीड कितना 60 ना, तो 60 यानी 2/6 यानी 1/3 आवर लगे। तो टोटल टाइम टाइम फिर टाइम क्या हो जाएगा, 1/2 आवर प्लस 1/3 आवर ना, तो 20 20 40, 13 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 30 हो गया आपको क्या हो जाएगा, 40 आई 3 2 5 ना, 6 सबसे ज्यादा कहाँ चले जाएगा, ऊपर ना, ये 5 से 8 मतलब है, 8 6 48 किलोमीटर पर आवर आ गया एवरेज स्पीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 तुमको क्या कर रहा है, बाबू ए बॉय लिव्स हिज हाउस एट 9:30 AM फॉर हिज स्कूल, द स्कूल इज 2 किलोमीटर अवे एंड क्लासेज स्टार्टेड एट 10 AM, ठीक है। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, व्हाट स्पीड शुड बी वॉक द सेकेंड किलोमीटर टू रीच जस्ट इन टाइम। यहाँ पर क्या कह रहा है बाबू तुमसे कि 9:30 में वह स्कूल मैंने घर से क्या करता है, वह निकलता है, कोई बसता है, मैं बसता कह रहे बाबू कोई बात ना कह जाए, ठीक है। और वह 10 बजे स्कूल में पहुंच जाता है, हाँ, और वह 10 बजे क्या करता है, स्कूल पहुंच जाता है, मान लीजिए कि स्कूल हो गया, तो क्या कर रहा है कि इफ ही, अच्छी सॉरी 10 बजे पहुंचता नहीं है, 10 बजे क्या करता है वह, क्या पढ़ते क्वेश्चन पढ़ते हो, फोर ही स्कूल था क्लोज, स्कूल ही 2 किलोमीटर अवे, ठीक है। मान लीजिए स्कूल का डिस्टेंस तुमको कितना दिए थे, 2 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर का स्कूल का डिस्टेंस हो गया। स्टार्टेड एट द 10 AM, ठीक है, द क्लास स्टार्ट हो जाता है 10 AM, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट होने के पहले ही ना पहुंचना चाह गए, तो क्या कर रहा है कि इफ ही बाक फ्रेंको, इफ ही बाक एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या कर रहा है कि यदि वह 10 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से सिर्फ फर्स्ट किलोमीटर में चलता है, ठीक है, जिसको दो भाग में बांटते हैं, मान लीजिए ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर, तो ये हो जाएगा शेष बचा था फर्स्ट 1 किलोमीटर में, तो फर्स्ट किलोमीटर, तो क्या कह रहा है कि पहला का फर्स्ट किलोमीटर है जो है जो कितना का स्पीड से चल रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, ठीक है। तो फर्स्ट किलोमीटर का स्पीड चल रहा है, हम टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटा वेलोसिटी ना, यानी स्पीड, तो डिस्टेंस तो 1 किलोमीटर, स्पीड कितना चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/10 आवर आ जाएगा, ठीक है। चल अब तुमको क्या कर रहा है, तो व्हाट स्पीड शुड बी वॉक सेकंड मिनट किलोमीटर टू रीच जस्ट इन टाइम, तो 1/10 आवर कह रहा है ना बाबू, तो इसको मिनट में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, 1/10 गुने 1 आवर में 60 मिनट ना, तो 60 यानी 6 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो यानी पहला का किलोमीटर तय कर रहे हैं, इसको कितना टाइम लग रहा है, 6 मिनट का ना, 6 मिनट का। अब कह रहा है कि सेकंड, तो क्या कह रहा है कि हमें 10 बजे तक पहुंचना है, तो 10 बजे तक पहुंचना है, यानी तुमको पास टाइम कितना है, 24 मिनट का ना, 24 मिनट अभी शेष टाइम तो बचा हुआ है, ठीक है। तो 24 मिनट में जो अगला 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना का स्पीड से हम चलेंगे, जो वो कितना का स्पीड से हम चल रहे हैं बाबू, 1 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितना का स्पीड से चलेंगे, हम 24 मिनट में पहुंच जाए, यही ना, जो तुमको समय दे दिया है ना, है तो समय दे दिया है, तो हम यहाँ से निकाल दें, क्या निकालना है, वेलोसिटी ना, यानी स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, दूरी 1 किलोमीटर 24 मिनट ना, तो 24 मिनट को घंटा में चेंज करते, 60 से भाग दे दो, तो 6 चौका 24, 6 10 यानी क्या हो जाएगा, 10/4 ना, 10/4, 1 10/4 क्या आ गया, किलोमीटर पर आवर ना, पर आवर, ठीक है। 10/4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलेगा वो जो लड़का है स्कूल के लिए, तो वो क्या करेगा, होगा टाइम पर पहुंचे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बस मूव्स एट यूनिफॉर्म स्पीड V1 फॉर सम टाइम, ठीक है, एंड देन विथ यूनिफॉर्म स्पीड V2, ठीक है, द डिस्टेंस टाइम टेबल इज गिवन बिलो, प्लॉट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले तो तुमको ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है और कई सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, ठीक है। चलो
क्या करके कोई बस जो है इनफॉर्म स्पीड से भीगन से चलता है कुछ दूर तक, ठीक है, कुछ समय तक, और उसके बाद फिर इनफॉर्म स्पीड किससे चलता है, V2 से, ना V2 से चलता है, ठीक है। तो डिस्टेंस टाइम टेबल तुमको दे दिया है, ठीक है, तुमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या करना है, इसमें ड्रा करना है, ठीक है। तो ये देखो ये डिस्टेंस है, ठीक है, और ये टाइम है, ठीक है, ये है का टाइम, ये है तुमको डिस्टेंस, ठीक है। तो हम प्रयास करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने का, ठीक है। तो नीचे तो टाइम रहता है जानते हैं एक्स एक्सिस पर, और इस पर डिस्टेंस नहीं, इस पर डिस्टेंस हो गया, देख लो 0 किलोमीटर पर, 0 पर ही था ना, तो 0 हो गया। तो देख लो ना समय किसमें है, 20 40, ठीक है, तो 20 40 लेते चलो, यानी 0 ही हो गया, 20 40 60 80 100, 120 तक जा रहा है ना, तो ये जाएगा 100, ये हो गया 120, ये कहाँ तक चल रहा है, 0 से के बाद के फिर 20, इधर लिख देते हैं 40, फिर हो गया है 60, कर लो 80, 100, इसको भी और आगे बढ़ा दो, 120, 140, और ये हो गया 160, ठीक है। चलो तुम सब लोग ग्राफ में पेज होगा आराम से बनाना, ठीक है, यहाँ पर आ जाओ। तो तुमको क्या करें कि 0 पर तो 0 था ना, यहाँ पर देख लो 20 20 में का कितना था, या 20 पर ना था, ठीक है, ये 20 में 20 पर है, 40 में कहाँ पर था, 40 से पर ना, 40 में 40 पर हो गया, और 60 में 65 पर था, अब यहां से चेंज होते लगा, ठीक है। यानी 60वां यानी मिनट में हो जाएगा, तो 60 में कहां पर है, 65 पर ना है, 65 पर हो गया, ठीक है। तब यहां से अनइनफॉर्म चालू हो गया, देखो ना यहां से इनफॉर्म तो चल रहा है कि नहीं, पर ये V1 हो गया ना, तो V1 यहां से निकाल देते, इनफॉर्म से नहीं चल रहा है बाबू, तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है, डिस्टेंस बटा टाइम ना, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, यदि 0 से 40 में चलो तो कितना दूर ट्रेवल किया है, 40 किलोमीटर का, ठीक है, और दूर एक कितना समय कितना लग रहा है, 40 मिनट है ना, हाँ मिनट है, तो 40 मिनट हो गया, ठीक है। मिनट को घंटा में चेंज कर दो, यानी 60 से भागा ना, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 40 से 40 चेंज से, यानी इसका चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी तुमको V1 तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। अब इसके बाद फिर V2 ना चल रहा है, ठीक है, तब यहाँ पर देखो ग्राफ से फिर नहीं समझोगे तो यहाँ पर भी आ जाए, कितना समय लग रहा है, 40 से 65 के बीच में डिस्टेंस से कितना ट्रेवल कर रहा है, 25 किलोमीटर का ना, 25 किलोमीटर का, और 40 से 60 के बीच में टाइम कितना लग रहा है, 20 मिनट ना, तो 20 कहाँ गया भाई, बीस मिनट, ठीक है। और 60 से 80 के बीच में 20 मिनट, इसमें 20 मिनट, इसमें 20 मिनट, समय तो 20 20 मिनट है। अब यहाँ देखो तो 40 से कहाँ गया, 65 ना, फिर 65 से गया 95, फिर 125, फिर 155, यहाँ पर देखो ना इन सब में 30 किलोमीटर का अंतर है, 95 से 25 में भी 30, 65 से 95 में भी 30, सिर्फ यहीं पर एक नॉन इनफॉर्म था। अब यहाँ से फिर से इनफॉर्म चालू हो गया ना, देख लो, तो मान लो 95 से 125 पर आप निकाल लेते हैं, तो 95 से 125 में कितना दूरी ट्रेवल कर रहा है, 30 किलोमीटर का ना, 30 किलोमीटर का, और 95 से 125 में समय कितना लग रहा है, 20 मिनट का ना, 20 मिनट का, ठीक है। तो 60 से कर देते हैं ऊपर, कहा कि क्या है मिनट से घंटा में चेंज करना है, तो 2 से कर जाएगा 30 मिनट में, तो 30 से क्या आ जाएगा, 90 90 किलोमीटर पर आवर आ गया, ठीक है, क्या गया, 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चल यानी V1 आ गया कितना, 60 किलोमीटर पर आवर, और V2 आ गया तुमको 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चल अब